इटावे में जाना चाहता है, तो हम स्मार्ट सिटी बना करके उन क्षेत्रों का औद्योगिक विकास करने के लिए हम सहायता प्रदान कर रहे हैं या उसमें रोड़ा प्रदान कर रहे हैं। हमें यह पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जब सारी दुनिया, यूरोप तहस नहस हो गया था, तो उन्होंने सारा का सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करा, चाहे जर्मन हो, जापान हो, आपका इंग्लैंड के अंदर हो, सारे के सारे देश मटिया मेट हो गए थे, चूर चूर हो गए थे। लेकिन इन देशों ने तरक्की जब करी कि जब सारा का सारा पैसा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करा। अब 4000 करोड़ मकान बनाने के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करना नहीं माना जाएगा? एमएसएमई के अंदर 300 करोड़, छोटी छोटी फैक्ट्रियों के अंदर, छोटे छोटे उद्योगों के अंदर यदि हम पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो क्या जो अच्छे छोटे छोटे उद्योगपति हैं, जो उद्योगपति तो नहीं कह सकते, पर जो छोटे छोटे कामगार हैं, क्या उनकी अच्छी व्यवस्था कर करके एक हम डेवलपमेंट की चेन डेवलप नहीं कर रहे हैं? ये पूछा गया कि साहब अगर औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे तो इससे कैसे लाभ मिलेगा? दिल्ली के अंदर आप जाकर के देखिए, 100-100, 200-200, 300-300 गजों के अंदर फैक्ट्रियां चल रही हैं। लोग चाहते हैं कि वहां से निकल करके अच्छे औद्योगिक क्षेत्रों में जाएं। अगर ये औद्योगिक पार्क बनेंगे तो ये केवल इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर हम सहायता प्रदान कर रहे हैं, पर इन उद्योगों से हमारे को जमीन का पैसा भी रिलाइज होगा और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में हमारे को बहुत बड़ी मात्रा में न केवल उत्तर प्रदेश को आय मिलेगी, वरना हर नौजवान को काम करने की दिशा में एक जबरदस्त काम इस सरकार ने किया जा रहा है, जिसके लिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर को बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद अतुल जी, आपने बहुत अच्छा बोला, धन्यवाद। पांच हाँ हो गया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर कौन बोलेगा? उदय जी, माननीय माता प्रसाद, माता प्रसाद जी खड़े हो तो। माननीय अध्यक्ष जी, जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय संवैधानिक व्यवस्था में बजट की व्यवस्था है और उसमें यह अपेक्षा की जाती है कि जब बजट बनाया जाएगा तो संपूर्ण रूप से पूरी तैयारी के साथ बनाया जाएगा, जिसमें कि फिर से इस पर दूसरे अनुदान की जरूरत न पड़े। लेकिन आने वाले दिनों में कभी कभी नई जरूरतें हो जाती हैं, तो नई जरूरतों के लिए अनुपूरक की बात की गई है, लेकिन इस बजट, इस अनुपूरक में तो जो बजट पहले से बना है उसमें भी अनुपूरक मांगा गया, क्यों नहीं इसको पहले से तैयारी करके सोच समझ के उसको बनाया गया? यह सबसे बड़ा प्रश्न है जो हमें हमारे संविधान ने हमको रास्ता दिखाया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय, कि अनुपूरक में बहुत सारी बातें हैं, मैं सबसे चर्चा करने नहीं जाऊँगा, एक महत्वपूर्ण बात पर मैं बात करना चाहता हूँ। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, तमाम मेडिकल कॉलेज आपने बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए आपको अलग से अस्पताल बनाने की जरूरत थी, आपने अलग से चिकित्सालय नहीं बनाए, जो जिला के चिकित्सालय थे उन्हीं को आधार बनाकर आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया। आप जब मेडिकल कॉलेज बनाया तो मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों को तो आप संविदा के आधार पर या एनजीओ के आधार पर आप उसमें नियुक्त करना चाहते हैं, लेकिन इन कर्मचारियों को जो जिला अस्पताल को जिन्होंने अपना आधार बनाया, उन कर्मचारियों को आप उसमें समाहित नहीं कर रहे हैं, इनको आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज आपने बनाया, यहाँ लखनऊ में भी बनाया, मैं लखनऊ बात नहीं करता, लेकिन जो जिले में बने हैं मान्यवर, वहाँ जो कर्मचारी हैं, जो फोर्थ क्लास के हैं या आपको पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सबों को वहाँ से रिलीव किया जा रहा है, और रिलीव करके उनको कहाँ ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है? डायरेक्टरेट में लखनऊ आके वो अपना यहाँ अपनी संबद्धता दिखावें। अस्पताल मेडिकल कॉलेज आपके खाली, वहाँ आप कोई नियुक्ति नहीं कर पा रहे और उन कर्मचारियों को यहाँ आप भेज रहे हैं, अस्पताल खाली हो जा रहे हैं, लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएं अपनी दवा के लिए? ये बहुत बड़ी समस्या आपके सामने है। इस अनुपूरक में तो आपने बजट मांगा है,
लेकिन इसके लिए भी आपको बजट मांगना चाहिए कि हम अस्थाई कर्मचारी नियुक्ति करेंगे संविदा के आधार पर, आउटसोर्सिंग के आधार पर। आप मेडिकल कॉलेज में जब कर्मचारी नियुक्त करेंगे तो उनकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कल्पना करके आपने मेडिकल कॉलेज को बनाया। इसलिए मैं ज़्यादा ना करके ये बात आपसे आग्रह करूँगा, इन कर्मचारियों का आप कहीं न कहीं समायोजित करने का कष्ट करें, और वो योग्य हैं तो उनको क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज में लिया जा रहा है, इस पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपने स्मार्ट सिटी की बात की, आप स्मार्ट सिटी बनाइए, लेकिन वो नंगे पैर चलने वाले, भूखे रहने वाले, ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाले लोगों के लिए भी आपका कोई इसमें बजट की बड़ी व्यवस्था आपने की है? उनके आवास कैसे बनेंगे? आपने तो बताया कि यहाँ आवास की ज़रूरत है स्मार्ट सिटी में, इसलिए हम पैसा दे रहे हैं। गांव में आप पैसा कितना दे रहे हैं बनाने के लिए? 1,20,000। 1,20,000 में कोई घर कैसे बना सकता है? 1,20,000 में तो ईंटा भी नहीं मिल सकता एक घर बनाने के लिए। तो जब आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो ग्रामीणों के लिए भी अलग से एक व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी जो भारत की या हमारे प्रदेश की है सबसे ज़्यादा ग्रामीण अंचलों में है। अगर ग्रामीण अंचल का विकास नहीं होगा तो शहरों के विकास से उत्तर प्रदेश का विकास संभव नहीं है। मैं एक बात और कह करके, अभी मैंने आपका PWD का बजट पढ़ा, PWD में रुपए हैं और उसके बाद भी आप अनुदान मांग रहे हैं। आपने कह दिया कि 90% गड्ढे मुक्त हो गए और फिर उसके लिए आज आप अनुदान मांग रहे हैं। जब मुक्त हो गए तो जैसे ये हमारे उमा शंकर जी हैं या बहुत बड़े लोग हैं, ये लोग अपना पैसा लगा के बना देते हैं क्या? पहले ही और बाद में पैसा लेते हैं, या तो ये पहले लगा के बनवा लिया आपने ठेकेदारों से, अथवा आपने अब व्यवस्था की है तो बने कब 90%? बने कहाँ ये 90%? इस पर आपको विचार करना चाहिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि अनुपूरक बजट है, इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा दखल देने की जरूरत नहीं। इतना जरूर कहेंगे, माननीय वित्त मंत्री जी हमारे होशियार हैं, हमारे पुराने साथी भी हैं, मैं एक जरूर सुझाव दूंगा, जब आप बजट बनावें तो आपकी पूरी कल्पना होना चाहिए, ऐसी कल्पना होनी चाहिए कि अनुपूरक बहुत कम से कम लाने की जरूरत पड़े, तब आपका बजट जो है अच्छी तरह से खर्च हो सकेगा, आगे बढ़ सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती अनुपमा जायसवाल। बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। कल इस सम्मानित सदन में हमारे सम्मानित विद्वान वित्त मंत्री आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा अनुपूरक बजट पेश किया गया, और हमेशा की तरह जैसा कि इस हमारी सरकार की संकल्पना है, सरकार की अवधारणा और सोच है, और राज्य के हित में लिए गए संकल्पों के प्रति जिज्ञासा है, वह इस अनुपूरक बजट में दिखाई पड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वप्न को साकार करते हुए इस बजट का उद्देश्य फिर वही एक बात कि उत्तर प्रदेश को देश में हर क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। कुछ रह गया तो उसके लिए जो मांगी थी उसको माननीय वित्त मंत्री जी ने यहाँ पर रखा है। हमारे आदरणीय और बहुत प्रिय माननीय पूर्व मंत्री श्रीमान ओम प्रकाश राजभर जी, जो हमारे बड़े प्रिय भाई हैं, अक्सर हमारी और उनकी भेंट होती है, हम आपस में बैठकर, उन्होंने कहा कि माननीय वित्त मंत्री केवल अपना सारा ध्यान कागज में रखते हैं, कुछ सुनते ही नहीं। तो मुझे फिर एक बात याद आती है कि जिंदगी भर एक सबक याद रखिए, इबादत और सियासत में नीयत साफ रखिए, और जब नीयत साफ होती है तो चाहे कागज पर ध्यान रखा जाए या काम पर ध्यान रखा जाए, दोनों ही काम शानदार होते हैं। और इसी कारण शायद मुझे लगता है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो यह अनुपूरक बजट यहाँ पर रखा है उसमें कागज और काम दोनों पर ध्यान देने के कारण पॉइंट भर भी कमी निकालने की संभावना नहीं है। और जैसा कि अभी हमारे सारे आदरणीय जो हमारे सामने बैठे हैं, सभी सम्मानित विद्वान, उससे बहुत ही सीनियर लोग हैं, उन्होंने भी जो बात रखी है उसमें भी यही है कि कम मांगा है और मांगना चाहिए था। बहुत बड़ा राज्य है और अच्छी बात है कि आप सब मिलकर उत्तर प्रदेश में विकास की गति में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसके एक दो पॉइंट मैं जरूर रखूंगी।
नए शहरों के समग्र एवं समुचित विकास के लिए 4000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। निश्चित रूप से यह आने वाले समय में बहुत ही प्रभावकारी कदम होगा। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कर्मियों के लिए 200 करोड़ और सबसे बड़ी बात कि धार्मिक तीर्थयात्रियों की दुनिया की सबसे बड़ी सभा कुंभ मेला मानी जाती है और 2025 के कुंभ मेले के आयोजन के लिए 521 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और निश्चित रूप से इसका एक एक पैसा फिर उसी तरह से खर्च होगा जैसे पिछले महा कुंभ मेले में खर्च हुआ था। और देश में नहीं पूरी दुनिया के सामने कुंभ मेले का आयोजन करके उत्तर प्रदेश के सरकार ने प्रशंसनीय और सराहनीय काम करके पूरी दुनिया की वाहवाही लूटने का काम किया था। माने अध्यक्ष जी, 10 अधीनस्थ न्यायालय के पायलट प्रोजेक्टों के निर्माण हेतु 400 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। हमारे परिवहन मंत्री जी भी बैठे हैं, 1000 नई बसों के क्रय के लिए 200 करोड़ मांगा गया। निश्चित रूप से बसें न केवल विकास की गति को तेज करती हैं बल्कि जिलों को, शहरों को और कस्बों को जोड़कर एक दूसरे लोगों के दिलों को भी जोड़ने का काम करती हैं। मुझे लगता है विकास भी होगा और जब बसें एक जगह से दूसरे जगह जाएंगी उनकी संस्कृतियों का आदान प्रदान होगा और हमारे दिल एक दूसरे से पुनः खुले रूप से मिलने का काम करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, जनपद लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में कुकरैल नाइट सफारी पार्क की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। और अध्यक्ष जी, शिक्षित बच्चे, सभ्य समाज और विकसित राष्ट्र एक दूसरे में जुड़ी हुई कड़ियां हैं और इसी क्रम में शिक्षा के महत्व को समझते हुए प्रशासकीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अलाभित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 177 करोड़ रुपए के बजट के लिए अनुपूरक बजट यहां पर मांगा गया है। निःसंदेह यह देश को विकसित करने में बहुत बड़ा कदम साबित होगा। अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 172 करोड़ रुपए मांगे गए। और एक बहुत अच्छी बात, कहते हैं जिनके हाथ नहीं होते किस्मत की लकीरें उनकी भी होती हैं और जिनके पांव नहीं होते हैं वो भी बुलंदियों से चढ़ते चले जाते हैं। सुधा चंद्रन और अरुणिमा सिन्हा जिन्होंने पैर ना होते हुए भी पर्वतारोहण किया, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय हमारे विद्वान वित्त मंत्री जी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए नेत्रहीन, मूक बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगों के भरण पोषण के लिए 333 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट रखा है। यह उनके प्रति बहुत बड़ा संवेदना का काम किया। जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए 5 करोड़ और आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कराए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और बस समाप्त कर रही हूँ, एक ही बजट, एक ही मत बचा है, बस तुरंत समाप्त। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज पूरी देश में हुआ उससे एक बात तो तय है, जितने हमारे राष्ट्रीय आयोजन होते थे बहुत से नए बच्चों को पता ही नहीं था, लेकिन पूरा चलने वाले इस आयोजन ने नए बच्चों के अंदर स्वतंत्रता संग्राम के जो अपनी गौरवमयी गाथा थी उसको तो याद दिलाने का काम किया और नए अखंड भारत, अजेय भारत के निर्माण के लिए हम सबकी क्या ड्यूटीज होनी चाहिए ये भी बच्चों में रोपने का काम किया है। ये आगे भी इसी काम के हित में लगाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी।